हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। न्यूज नाइट के प्रायोजक हैं LIC हर पल आपके साथ और वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। न्यूज नाइट के इस स्पेशल शो में जो चलेगा अभी से लेकर रात के 10 बजे तक, और इस स्पेशल शो में हमारा पूरा फोकस रहेगा प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे पर, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है जब माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जाएगा। औपचारिक स्वागत होगा प्रधानमंत्री का व्हाइट हाउस में, और उसके बाद तमाम औपचारिक कार्यक्रम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, कैसे द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी, कैसे बड़े स्तर पर कुछ समझौते भी हो सकते हैं, और कैसे साझा वक्तव्य भी सामने आएगा, ये सारी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे डीडी न्यूज पर। और आपके साथ इस विशेष शो में मैं हूं ममता चोपड़ा, मेरे साथ है अरेंद्र। शुक्रिया ममता, नमस्कार दर्शकों, और अगले 3 घंटे तक इस स्पेशल न्यूज नाइट के शो में हमारे तमाम सहयोगी संवाददाता भी वॉशिंगटन DC से हमारे साथ जुड़ेंगे, साथ ही साथ हमारे साथ विशेष मेहमान भी होंगे जो बताएंगे कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे के मायने क्या, क्योंकि ये राजकीय यात्रा ऐतिहासिक हो रही है और इस ऐतिहासिक यात्रा के बहुत कुछ मायने हैं। तो तमाम 3 घंटे तक लगातार विस्तार से हर एक एक पल की खबर आप तक, उसका विश्लेषण भी, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। अमेरिकी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का व्हाइट हाउस में अब से थोड़ी देर में होगा आधिकारिक स्वागत। 21 तोपों की दी जाएगी सलामी। राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ होगी द्विपक्षीय बैठक। रक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और अहम तकनीक को साझा करने पर चर्चा की संभावना। पीएम मोदी देर रात अमेरिकी संसद की संयुक्त बैठक को करेंगे संबोधित। दूसरी बार अमेरिकी संसद में होगा उनका संबोधन। राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के आधिकारिक रात्रि भोज में भी होंगे शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्हाइट हाउस में स्वागत से पहले भारत वंशियों में जोरदार उत्साह। व्हाइट हाउस के बाहर उमड़ी भारी भीड़, लग रहे हैं मोदी मोदी के नारे। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान देश को बड़ी उपलब्धि हुई हासिल। भारत में जेट विमान के इंजन का होगा उत्पादन। GE और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच हुआ महत्वपूर्ण समझौता। पुणे में G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक हुई खत्म। सदस्य देशों के बीच डिजिटल शिक्षा, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सहित 5 प्रमुख मुद्दों पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री ने वीडियो संदेश में शिक्षा नीति के बेहतर भविष्य पर आधारित होने पर दिया जोर। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर देश भर में भाजपा का महासंपर्क अभियान जारी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग में जनसभा को किया संबोधित। भूपेश बघेल की सरकार पर घोटाले में शामिल होने का लगाया आरोप। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने झारखंड के गिरिडीह में सोरेन सरकार को भ्रष्टाचार और तुष्टिकरण और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेरा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में नर्सिंग पेशेवरों को दिए वर्ष 2022 और 2023 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। नर्सों और नर्सिंग पेशेवरों को उनके उल्लेखनीय कार्यों के लिए 1973 से केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय देता है ये सम्मान। भारतीय बैडमिंटन स्टार HS प्रणॉय ताइपे ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्रणॉय ने प्री क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया के टॉमी सुगी टार्को को 21-9, 21-17 के अंतर से दी शिकस्त।
तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्रधानमंत्री के अमेरिकी दौरे से जुड़ी खबरें। तो अमेरिका दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी का अब से थोड़ी देर में व्हाइट हाउस में आधिकारिक तौर पर स्वागत होगा। प्रधानमंत्री को 21 तोपों की सलामी दी जाएगी जी, और इसके बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ प्रधानमंत्री मोदी की द्विपक्षीय बैठक होगी, जिसमें रक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और अहम तकनीक को साझा करने पर चर्चा की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल, और आज ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी संसद की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करेंगे। ये दूसरा मौका है जब पीएम मोदी अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे। वॉशिंगटन डीसी के एंड्रूज बेस हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की ये तस्वीरें बता रही हैं कि दोनों देशों के रिश्तों का नया अध्याय लिखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति के न्योते पर राजकीय यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी को हवाई अड्डे पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों देशों की राष्ट्रधुन बजी और फिर पीएम मोदी वहां से रवाना हुए। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वॉशिंगटन में आधिकारिक स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस पहुंचेंगे, वहां उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मैं इस वक्त व्हाइट हाउस के बाहर खड़ा हूं, जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजनेता का जो निवास है, मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो ये व्हाइट हाउस है। और इस व्हाइट हाउस में आज बेसब्री से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। अब से कुछ देर बाद, कुछ घंटे बाद जो है भारत के प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे और व्हाइट हाउस ने रेड कार्पेट वेलकम देने के लिए पूरी तरह से तैयारी कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर बाकायदा जो है 21 तोपों की उनको सलामी दी जाएगी और उसके बाद जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कम से कम जो है यहाँ पर 2.5 से 3 घंटा एक साथ बिताएंगे और बहुत अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। देखिए, बड़ी बात यह है कि इससे पहले कि ये दोनों लोग अभी टेबल पे बैठे हैं जिसमें बहुत बड़े समझौते होंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच उच्च स्तरीय बातचीत होगी, जिसमें कूटनीतिक रिश्तों पर बात होने के साथ ही साथ रक्षा, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा और अहम तकनीक को साझा करने पर चर्चा होगी। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत के बाद समझौतों पर मुहर लगेगी। दोनों नेता इसके बाद व्हाइट हाउस में पत्रकार वार्ता को संबोधित करेंगे। Essentially would have 4 or 5 key components. The first component being the ceremonial welcome at the White House. The second component being a set of bilateral meetings between the two leaders as also the accompanying delegations. पीएम मोदी इस बैठक के बाद अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करेंगे। वे संसद के साझा सत्र को संबोधित करेंगे जिसमें सीनेट यानी उच्च सदन और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी निचले सदन के सांसद मौजूद होंगे। ऑनरेबल श्री नरेंद्र मोदी जी वुड बी अमंग द रेयर फ्यू लीडर्स, वर्ल्ड लीडर्स टू हैव बीन अकॉर्डेड द ऑनर टू एड्रेस द यूएस कांग्रेस मोर देन वंस। क्लियरली अनदर की कॉन्टैक्ट्स व्हिच हैज ऑलवेज कंटिन्यूड is a strong and widespread degree of bipartisan support
in the US Congress to the strengthening of this relationship. अमेरिकी कांग्रेस में संबोधन के बाद पीएम मोदी, राष्ट्रपति जो बाइडेन और अमेरिका की प्रथम महिला जिल बाइडेन द्वारा आयोजित आधिकारिक रात्रिभोज में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के बीच साझेदारी की गहराई और विविधता को समृद्ध करने का एक अवसर है। राष्ट्रपति बाइडेन और अन्य वरिष्ठ अमेरिकी नेताओं के साथ पीएम मोदी की बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के साथ साथ G20, क्वाड और IPEF यानी समृद्धि के लिए हिंद प्रशांत आर्थिक ढांचा जैसे बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग को मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। वॉशिंगटन DC से अशोक श्रीवास्तव और अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD News। तो ममता, आपने देखा कि कितना महत्वपूर्ण दौरा है और लगभग अब से आधे घंटे का वक्त बचा है जब प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस पहुंचेंगे, उसके बाद से इस अधिकारी का कहा जाए राजकीय यात्रा का आगाज होगा। बिल्कुल, और व्हाइट हाउस भी तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच वार्ता से पहले व्हाइट हाउस के अंदर का जायजा लिया अशोक श्रीवास्तव ने। अमेरिकी सत्ता का केंद्र व्हाइट हाउस मेरे पीछे है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रेड कार्पेट वेलकम होगा। डीडी न्यूज की टीम यहां तैयार है, मेरे साथ सागर ठाकुर हमारे संवाददाता और अजय मिश्रा मेरे साथ है। और आप पीछे अगर देखेंगे नजारा, इस वक्त यहां का माहौल देखिए, पूरी तरह से भारत का भारतमय माहौल हो चुका है। यहां पर लोग झंडे लेकर के, तिरंगा लेकर के और साथ साथ अमेरिकी झंडे लेकर के आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। राष्ट्रपति भवन के अंदर ऐसा नजारा आपने शायद नहीं देखा होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति निवास के अंदर जो है, ये आप जो देख रहे हैं, ये साउथ लॉन है और इस साउथ लॉन में हजारों की तादाद में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत अमेरिका रिश्तों की परिभाषा बदल दी है। किस तरह से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जो डायस्पोरा है, ये देखिए डायस्पोरा की तादाद आप देखिए, यहाँ पर ऐसा नजारा राष्ट्रपति भवन में शायद जो है आज तक कभी देखने को नहीं मिला। तो बेहद उल्लासपूर्ण इस वक्त व्हाइट हाउस के बाहर का नजारा, जहां भारतवंशी भारी तादाद में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए खड़े हैं। बिल्कुल, और अंग्रेजी पत्रिकाओं में भी प्रधानमंत्री मोदी के बीते 9 साल के कार्यकाल को कैसे दर्शाया गया, इसका भी जायजा लिया वॉशिंगटन DC में मौजूद हमारे सहयोगी संवाददाता अशोक श्रीवास्तव ने। मेरे पास इस वक्त इकोनॉमिस्ट जो मैगजीन है वो मेरे हाथ में है और इसकी जो शीर्षक है उससे बहुत कुछ समझा जा सकता है। ये इकोनॉमिस्ट का जो आज जो अंक आया है, जो लेटेस्ट अंक उसका है, जो बाइडेन के साथ जो है शेयर को दिखाया गया, और हेडिंग देखिए बड़ी दिलचस्प हेडिंग है, अमेरिकाज न्यू बेस्ट फ्रेंड। आप समझ सकते हैं इससे कि अमेरिका आज भारत को कैसे देख रहा है, अमेरिकी मीडिया कैसे देख रहा है, भारत को अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड बताया जा रहा है। तो ये जो दोस्ती है जो आज से नए दौर में प्रवेश करने जा रही है, ये दोस्ती जो अब जो है पक्की दोस्ती जिसको कहा जा रहा है, अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड भारत को बताया जा रहा है, ये जो बदलाव है बीते 9 साल में हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भारत और अमेरिका किस तरह से नजदीक आए हैं, और आज जो है इस दोस्ती की एक नई इबारत और लिखी जाएगी। कैमरामैन निश्चल के साथ अशोक श्रीवास्तव, DD News, व्हाइट हाउस, Washington DC। और ये देखने वाली बात है अरेंद्र की, मीडिया में तमाम जगह पर देखा जा रहा है कि एक सकारात्मक और बेहतरीन तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है भारत के अमेरिकी संबंधों को लेकर, और शायद उसमें ये यात्रा ऐतिहासिक इसलिए कही जा रही है क्योंकि यहां से अगले एक दशक या उससे ज्यादा के वक्त के लिए आधार तैयार होगा, विजन दिखाई पड़ेगा कि कैसे दोनों देश न सिर्फ आपसी रिश्तों में बल्कि वैश्विक समस्याओं के समाधान में आगे बढ़ते नजर आएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल, योद्धा मुद्रा के लिए पैरों में 3 फीट का गैप। पूछ, विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, mutualfundsahiya.com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? mutualfundsahiya.com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। यहाँ आयुष्मान कौन है? जी मैं हूँ। आपका अगला नंबर? मैं भी हूँ आयुष्मान। जी मैं भी हूँ। इतने सारे आयुष्मान, देश के करोड़ों लाभार्थी हैं आयुष्मान। हर एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। देश के करोड़ों परिवारों ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार का वरदान पाया है।
अपने परिवार के स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी के लिए आज ही 14555 पर कॉल करें और अपने नजदीकी सूचीबद्ध अस्पताल या CSC केंद्र पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवाएं। पैन से आधार को लिंक करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे से मुस्कुराहट को लिंक करना। जिम्मेदारी को समझदारी से लिंक करते हुए सभी पैन धारक कृपया ध्यान दें। पैन को आधार से लिंक करने के लिए www.incometax.gov.in पर जाएं और लिंक आधार पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करें। ऐसा नहीं करने पर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। पैन इनऑपरेटिव होने पर पेंडिंग रिफंड्स तथा उन पर इंटरेस्ट प्रोसेस नहीं होंगे। TTS और TCS ऊंचे रेट पर काटे जाएंगे, इसीलिए 30 जून 2023 तक ₹1,000 की लेट फीस देकर आप अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं और आने वाले समय में किसी भी तरह के वित्तीय जोखिम से छुटकारा पा सकते हैं। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। और ब्रेक के बाद आपको सीधे लिए चल रहे हैं हम वॉशिंगटन DC। जैसा हमने कहा कि व्हाइट हाउस तैयार है, इस वक्त हम आपको सीधे शॉट्स दिखाएंगे इस वक्त कि किस तरीके से व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री के स्वागत की तैयारियां पूरी हैं। जहां एक और मीडिया भारी तादाद में वहां जुड़ा हुआ है, तो वहीं साथ ही इस व्हाइट हाउस के अंदर बाहर हर तरफ सुरक्षा की पुख्ता तैयारियों के बीच हर तरीके की तैयारी पुख्ता नजर आ रही है। जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आधिकारिक तौर पर करेंगे, और बिल्कुल ममता, इन तस्वीरों में मार्चिंग दस्ता भी नजर आ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये राजकीय यात्रा है और इसका एक प्रोटोकॉल भी बेहद अहम, क्योंकि 5 जिन यात्राओं का जिक्र अमेरिका के संविधान में किया गया उसमें सबसे ज्यादा महत्व राजकीय यात्रा को होता है। प्रधानमंत्री मोदी राजकीय यात्रा पे पहुंचे हुए हैं, ऐसे में जो मार्चिंग कंटिजेंट है वो यहां पे नजर आ रहा है। इसके अलावा हम जानते हैं, इसका हम जिक्र लगातार करते रहे कि 21 तोपों की सलामी भी प्रधानमंत्री को दी जाएगी, तो ये अपने आप में सबसे वरिष्ठतम सम्मान के दर्जे के तौर पर प्रधानमंत्री की राजकीय यात्रा होने जा रही है। व्हाइट हाउस की ये तस्वीरें जहां पे अमेरिका का झंडा और भारतीय तिरंगा दोनों शान से लहराते हुए और आपसी सहयोग को आगे बढ़ाने की शायद ये सीढ़ियां भी उस बात की गवाही दे रही हैं। इस वक्त अशोक श्रीवास्तव हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ वॉशिंगटन DC से मौजूद हैं। अशोक, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरीके से इस आधिकारिक औपचारिक स्वागत के लिए व्हाइट हाउस तैयार है और भारतवंशियों का जोश तो हमने देखा ही। बिल्कुल ममता, इस वक्त जो है अभी तक जो है और खामोशी थोड़ी इसलिए क्योंकि औपचारिक रूप से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए व्हाइट हाउस की तरफ से तैयार है। दृश्य भी देख रहे होंगे जो है यहाँ पर अभी जो है अमरीकी सेना के जो अंग बने और अमरीकी सेना के जो ग्रंट है वो यहाँ पर व्हाइट हाउस के जो साउथ लॉन है वहां पर जी, तो भी देख सकते हैं कि किस तरीके से व्हाइट हाउस में मार्चिंग कंटिजेंट्स तैयार हैं और काउंटडाउन कह सकते हैं शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर जिस कर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाएगा, जो तस्वीरें अभी हमने दिखाई उसमें रेड कारपेट भी नजर आ रहा था, क्योंकि जब वो अंदर जाएंगे प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो वहां पर रेड कारपेट नजर आ रहा है। यानी कि जो राजकीय सम्मान का जिक्र जिसमें हम लगातार कर रहे हैं कि अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 140 करोड़ भारतीयों के सम्मान के लिए रेड कारपेट बिछाकर इंतजार कर रहा है, ये अपने आप में बेहद महत्व। और यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि ये समझना भी जरूरी है कि प्रधान राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में ये तीसरी ही राजकीय यात्रा, यानी किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष को राजकीय सम्मान जो दिया जा रहा है ये तीसरा ही है देश भारत। इसे पहले सिर्फ फ्रांस और साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया को ही ये सम्मान दिया गया है, राजकीय यात्रा का सम्मान मिला है, और भारत तीसरा देश जो बाइडेन के कार्यकाल में। और प्रधानमंत्री मोदी ने वॉशिंगटन में भारत और अमेरिका भविष्य के लिए कौशल विकास इस विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम को भी संबोधित किया और इस कार्यक्रम में अमेरिका की प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन भी शामिल हुई। और अपने इस संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में भारत अमेरिका के सहयोग का जिक्र किया, तो वहीं अमेरिका की प्रथम महिला ने शिक्षा विशेषकर लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए PM द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिका की प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन की मौजूदगी में वॉशिंगटन में हो रहा ये कार्यक्रम बेहद खास है। वॉशिंगटन DC स्थित राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र में हुए इस कार्यक्रम का विषय भारत और अमेरिका भविष्य के लिए कौशल विकास रहा।
इस दौरान पूरे समाज में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच बढ़ाने और इसका विस्तार करने के लिए उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यबल का पुनर्विकास केंद्रीय बिंदु रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कौशल विकास और नवाचार के क्षेत्र में हो रहे प्रयासों का जिक्र किया। हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में शिक्षा और स्किलिंग को इंटीग्रेट किया है। हमने स्कूलों में लगभग 10,000 अटल टिंकरिंग लैब्स उसकी स्थापना की है, जहां बच्चों को तरह तरह के इनोवेशन करने के लिए सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं। हमने युवा एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप इंडिया मिशन शुरू किया है। हमारा लक्ष्य इस डेकेड को टेक डेकेड या टेकेड बनाने का है। पीएम मोदी ने प्रतिभा विकास के लिए अमेरिकी उत्कृष्ट संस्थानों और भारतीय युवा शक्ति के तालमेल का भी सुझाव दिया। आज भारत और अमेरिका को ग्रोथ का मोमेंटम बनाए रखने के लिए एक पाइपलाइन ऑफ टैलेंट उसकी भी जरूरत है, जहां एक ओर अमेरिका के पास उच्च कोटि के शिक्षण संस्थान है, एडवांस टेक्नोलॉजीज है, वहीं भारत के पास विश्व की सबसे बड़ी युवा फैक्ट्री है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि भारत और अमेरिका की साझेदारी सस्टेनेबल और इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ का इंजन साबित होगी। पीएम मोदी ने भारतीय और अमेरिकी शैक्षणिक व अनुसंधान इकोसिस्टम के बीच वर्तमान में चल रहे द्विपक्षीय शैक्षणिक आदान प्रदान और आपसी सहयोग की सराहना की। मुझे लगता है कि दोनों देशों को मिलकर अलग अलग विषयों पर हैकाथॉन भी करना चाहिए और इससे हमें आज की कई समस्याओं के समाधान भी मिल सकते हैं और भविष्य के लिए नए आइडियाज भी। हम वोकेशनल स्किल क्वालिफिकेशंस के म्यूचुअल रिकग्निशन के बारे में भी जरूर विचार कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं चाहूंगा कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अमेरिका से भी बच्चे भारत आए और भारत को देखें, भारत को जानें। मुझे आशा भी है और विश्वास भी है कि वो दिन दूर नहीं जब नवाहो नेशन का युवा भारत के नॉर्थ ईस्ट नागालैंड में बैठे अपने दोस्त के साथ मिलकर एक आइडिया, एक प्रोजेक्ट को डेवलप करेगा। अपने संबोधन में अमेरिका की प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडन ने भारत अमेरिका सहयोग को सराहा। उन्होंने दोनों देशों के बीच रिश्तों को खास बताते हुए शिक्षा के क्षेत्र में पीएम मोदी द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। After years of strengthening ties, the US-India partnership is deep and expansive as we jointly tackle global challenges. Mr. Prime Minister, I know that education is an issue close to your heart, as it is to mine. You work to ensure that all Indians, especially girls, which I love, have the opportunity to pursue an education and gain the skills they need for our modern workforce, and it's so important. कार्यक्रम में जानी मानी। तो जहां इस वक्त सबकी निगाहें लगी हैं व्हाइट हाउस, एक बार फिर से आपको सीधी तस्वीरों के लिए ले चलते हैं, क्योंकि व्हाइट हाउस अब से कुछ देर बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और लगातार तैयारियों का सिलसिला, जिस बात का जिक्र ममता हम कर रहे थे, ये रेड कारपेट भी नजर आ रहा है, भारतीय तिरंगा भी नजर आ रहा है और मार्चिंग दस्ता भी कह सकते हैं जो सलामी देगा, और 21 तोपों की सलामी, राजकीय सम्मान, भारत के प्रधानमंत्री का 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान अब से कुछ देर में होता दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हालांकि ये आठवां दौरा है अमेरिका का, लेकिन पहला राजकीय दौरा है और जिस तरीके के प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं उसको देखते हुए इस दौरे की अहमियत, एक राजकीय दौरे की अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके के विस्तृत कार्यक्रम भी रखे गए, जब प्रधानमंत्री का वॉशिंगटन डीसी में अराइवल हुआ, जब उनका आगमन हुआ, तब जिस तरीके से उनका स्वागत किया गया, राष्ट्रगान भी बजाया गया, उसके बाद जिस तरीके से अब व्हाइट हाउस में उनका आधिकारिक स्वागत किया जा रहा है, तो
अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और इस वक्त सबकी नजरें लगी हैं वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस पर। हमारे संवाददाता अशोक श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अशोक, अपने शब्दों में हमें बयां कर रही है इस वक्त व्हाइट हाउस में, जबकि पूरी तैयारी दिख रही है, मार्चिंग कंटिजेंस तैयार है, मुस्तैद खड़े हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। ममता, व्हाइट हाउस, अगर मैं ये कहूँ कि व्हाइट हाउस इस वक्त जो है भारत के रंग में रंगा हुआ दिख रहा है तो गलत नहीं होता। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के कोने कोने से यहाँ पर जो है भारत पहुंची। और मैं जो देख रहा हूँ ना ममता, एक बहुत दिलचस्प बात ये भी है कि जैसा मैंने पहले भी कहा, यहाँ पर एक भारत से भारत का रूप देखा जा सकता है। यहाँ पर जब हम पूछते हैं कहाँ से हो तो आवाजें आने लगती है। कोई कहता है मैं बंगाल से हूँ, कोई कहता है कि मैं जय महाराष्ट्र कहने लगता है, कोई कहता है मैं कलकत्ती से हूँ, केरल से हूँ, तमिलनाडु से, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का कौन सा हिस्सा, पंजाब, चंडीगढ़, जालंधर से, यहाँ पर मतलब देखते हैं ऐसा कौन सा हिस्सा है जहाँ के लोग आज यहाँ पर व्हाइट हाउस के अंदर भारत की नुमाइंदगी, भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे। और ममता, एक बात और भी है, इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर मैं हर उम्र के, हर आयु वर्ग के लोग देख रहा हूँ, और मेरे पीछे जो लोग यहाँ पर खड़े हैं ना, मैं अब उसमें बताऊँ, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े जो नामी जो सेलिब्रिटीज है। अभी मैं देख रहा था जो भीड़ में भारत पहुंचे, उसमें मुझे एक चेहरा रिपीट कर दिखा। आप सोचिए कि जो ग्रैमी अवार्ड जिन्हें वो यहाँ पर दो के बीच साउथ में है, पीछे मैं देख रहा हूँ तो ये जो अमेरिकी स्मारक है मुझे वो दिख रहा है, जो बाइडन उनको जो है उसके आगवानी करने के लिए तैयार है। और व्हाइट हाउस जो है वो ऐसा लग रहा है कि व्हाइट हाउस को भारत में, भारत में इतनी बड़ी तादाद दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि व्हाइट हाउस को भारत ने अपनी आगोश में ले लिया है। ऐसा लग रहा है कि व्हाइट हाउस के साथ जो है भारत का जो है इस तरह से स्नेह मिलन हो रहा है, दोनों गले मिल रहे हैं, और ये जो है भारत और अमेरिका जो रिश्ते हैं जो दो जी अशोक उसमें एक नए मुकाम पे जाते हैं। अशोक, एक महत्वपूर्ण चीज ये, क्योंकि जैसा ममता ने कहा कि ये आठवां दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका, प्रधानमंत्री बनने के बाद से लेकर, लेकिन ये पहला अपने आप में राजकीय सम्मान के तौर पर, आम दौरे और राजकीय सम्मान के इस दौरे के बीच के थोड़ा अंतर को भी दर्शकों के लिए सामने रखिए जरा। जी हाँ, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट बात है कि ये समझ जाए कि जो एक आम व्यक्ति है उसको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री को पहले भी यहाँ पर आए हैं और उनका आठवीं एक बार साथ किया, देखिए एक बार साथ ही है, ये बड़ा जो है राजकीय दौर है। इसका मतलब है कि अमेरिका ने जो है एक राजकीय अतिथि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान रखा है। और अमरीकी, अगर मैं राष्ट्रपति जो बाइडेन की बात करूं, उनका चार साल के दिन तक चल रहा है और अब तक उन्होंने सिर्फ 3 देशों के अंदर बैठकों के नरेंद्र मोदी, जिसको अमेरिका ने राष्ट्रीय अतिथि का दर्जा दिया है। राष्ट्रीय अतिथि जब आते हैं तो आह्वान किया है उनके लिए, क्योंकि जहां पर एक जो है उनका बर्थडे दौरा होता है, राष्ट्रीय दौरा जो होता है उसको अमेरिका में बहुत तवज्जो दी जाती है और कुछ पूरा खर्च जहां की सरकार वहन करती है, 21 लोग की सलामी दी जाती है, राष्ट्रपति के भवन में उसके लिए स्टेट बैंकेट किया जाता है, तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आते हैं। तो और ये एक तरह का रेड कार्पेट वेलकम होता है ये राष्ट्रपति द्वारा। और ये भी मैं बता दूं कि भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं ये, 75 साल में, यानी जब से भारत आजाद हुआ 75 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे दूसरे नेता हैं, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनको जो है राजकीय अतिथि के तौर पर अमेरिका ने बुलाया है। और ये जो अमेरिका के आशा जी हम तस्वीरें देख रहे हैं, इसमें हम तमाम जो अमेरिका के जो वरिष्ठ लोग हैं, इसमें वहां के जो लोग हैं जो एक तरीके से लाइनअप हो रहे हैं प्रधानमंत्री के आने से जस्ट पहले और प्रधानमंत्री के स्वागत इस्तकबाल के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। इसमें तमाम बड़े लोग जो कि विदेश मंत्री से लेकर तमाम जो वरिष्ठ लोग हैं, अमेरिका के पॉलिसी बनाने वाले नीति निर्माता लोग हैं, जो जो बाइडेन के सबसे करीबी उनके मंत्रिमंडल के लोग हैं, ऐसे तमाम लोगों की मौजूदगी, चाहे रक्षा मंत्री यहां पे दिखाई पड़ रहे हो, विदेश मंत्री यहां अमेरिका के नजर आ रहे हो, तमाम गणमान्य लोग अब इकट्ठा होने लगे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले, और यहां पर अब स्वागत की तस्वीरें ममता देखने को मिलेंगी।
बिल्कुल, और जिस तरीके से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री के आतिथ्य से पहले यहाँ बैंड, ऑफिशियल बैंड भी बज रहा है, और इन धुनों के बीच सब लोगों को इस वक्त इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का हम देख सकते हैं। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी यहाँ मौजूद हैं, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी यहाँ मौजूद हैं, और मंत्रिपरिषद के तमाम सदस्य यहाँ एकत्रित होने शुरू हो गए हैं, जिसका मतलब ये भी है कि अब से कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री का आगमन वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में होने वाला है। ममता, आपने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का जिक्र किया, तो निश्चित तौर से इस चेहरे और इस नाम को सुनकर हर भारतवासी के मन में कहीं ना कहीं उत्साह का संचार तो होता ही है, क्योंकि भारत के रिश्ते बहुत करीबी तौर से जुड़े हुए हैं, और जिस राजकीय सम्मान या राजकीय आतिथ्य की हम जिक्र कर रहे थे उसके तहत उपराष्ट्रपति जो अमेरिका को होता है, वहां के जो रक्षा मंत्री होते हैं वो मिलकर एक लंच देते हैं जब राजकीय मेहमान आता है, तो उसका भी सिलसिला इस प्रधानमंत्री की यात्रा में रहेगा। और निश्चित तौर से जिस बात का जिक्र हम लोग कर रहे थे, जो स्टेट डिनर जिस का क्या बात की गई थी वो भी प्रधानमंत्री को दिया जाएगा राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी के माध्यम से। और यहाँ पर अब बमुश्किल कुछ देर का वक्त बचा है, क्योंकि सभी वरिष्ठ लोग यहाँ आ चुके हैं और अब इंतजार है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी पत्नी के साथ मौजूद होंगे, और उसी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ आगवानी होगी, उनको वो रिसीव करेंगे और यहाँ से शुरू होगा एक तरीके से राजकीय अतिथि का, राजकीय दौरे का, एक राजकीय सम्मान का एक भव्य प्रदर्शन। और ऐसे में ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके के छोटे बड़े कदम उठाए जाते हैं किसी भी राजकीय यात्रा को विशेष बनाने के लिए, चाहे उसमें प्रधानमंत्री के खाने की रुचि, भोजन की रुचि का ख्याल रखना हो, या उनके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना हो, हर तरीके से इस बात का ख्याल रखा जाता है कि राजकीय यात्रा के दौरान जो मेहमान हैं, जो राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उनके लिए किस तरीके से इस दौरे को विशेष बनाया जाए। और इसको लेकर स्वयं राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन भी विभिन्न स्तर पर कदम उठाती रही। हम देख रहे हैं कि गाड़ियों का काफिले का आना शुरू हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि अब से कुछ ही पलों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन होगा, जिसके बाद औपचारिक तौर पर ये पूरा प्रोटोकॉल हमारे सामने, पूरा कार्यक्रम दिखेगा कि किस तरीके से राजकीय यात्रा में किस तरीके के औपचारिक कार्यक्रम के तहत राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत किया जाता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी स्वागत उसी प्रोटोकॉल के तहत। हम देख सकते हैं कि अमेरिका में भारत के एम्बेसडर संधू जी भी इस वक्त, और ये जो काफिला था ये भारतीय प्रतिनिधिमंडल का ममता, जिसमें हमारे जो विदेश मंत्री गए हुए हैं, इसके अलावा हमारे जो एनएसए अजीत डोवाल साहब हैं, और तमाम विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ लोग हैं, साथ ही साथ अमेरिका में भारत के राजदूत भी मौजूद थे। इन तमाम लोगों की काफिला था, वो सब लोग भी अब यहाँ पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री का बस आने ही वाले हैं। तो निश्चित तौर से जहां अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल मौजूद है, भारत का प्रतिनिधिमंडल मौजूद है, और ये तमाम लोग अब इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के आने का। और स्टेट विजिट की एक बड़ी बात ये भी होती है ममता, जिस राजकीय सम्मान के तहत देखा जाता है कि व्हाइट हाउस के ऊपर में जिस देश के अतिथि को राजकीय अतिथि के तौर पर सम्मानित करके बुलाया गया है, उस देश का झंडा भी लगातार एक तरीके से व्हाइट हाउस पे दिखाई पड़ता है। और शायद इसीलिए हमारे सहयोगी अशोक श्रीवास्तव इस बात का जिक्र कर रहे थे कि व्हाइट हाउस तिरंगा में नजर आ रहा है। दरअसल ये एक प्रोटोकॉल का भी हिस्सा होता है, स्ट्रीट फ्लैग लाइनिंग कहा जाता है इसको, कि जिस समय राजकीय यात्रा के दौरान जब किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष आते हैं, तो उससे पहले तमाम स्ट्रीट्स, व्हाइट हाउस में तो झंडे लगते ही हैं, तिरंगा लहरा ही रहा है, लेकिन स्ट्रीट्स पर भी, सड़कों पर भी दोनों देशों के तिरंगे लगाए जाते हैं, इस बात का एहसास कराने के लिए कि देश में कोई बेहद विशेष मेहमान आ रहे हैं। और राजकीय यात्रा के तहत अमेरिका एक देश के तौर पर भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए तैयार है। हम देख सकते हैं कि सभी विशिष्ट अतिथि इस वक्त सामने नजर आ रहे हैं हम स्क्रीन पर, और सभी अपनी पोजीशन ले चुके हैं, और बस उस पल का इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा व्हाइट हाउस में। और बिल्कुल एक इतिहास लिखा जा रहा है, एक ऐतिहासिक वक्त, एक ऐतिहासिक लम्हा, जब भारत और अमेरिका के संबंधों की ऊंचाइयां दर्ज की जा रही है, सिर्फ इन दो देशों में नहीं बल्कि दुनिया भर में। दुनिया भर की नजरें लगी हैं प्रधानमंत्री मोदी की इस राजकीय यात्रा पर, जो कि अमेरिका की यात्रा चल रही है। और निश्चित तौर से यहां से भारत और अमेरिका न सिर्फ आपसी संबंधों के लिहाज से आने वाले एक दशक या उससे ज्यादा का एक बड़ा आधार तैयार करेंगे, बल्कि दुनिया की जो बड़ी चुनौतियां हैं, वैश्विक समस्याएं हैं, उसके समाधान पर दोनों देश कैसे
दुनिया की बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं उसका सिलसिला भी यहां से निकलता नजर आएगा। तो अपने आप में बेहद भव्य, बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास तस्वीरें जब इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का, और रेड कार्पेट बिछाकर अमेरिका इंतजार कर रहा है 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाले वैश्विक नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और ये तस्वीरें उस बात की गवाह है कि कैसे आज अमेरिका भारत को मान सम्मान दे रहा है, इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। और इन तस्वीरों में साफ तौर पर विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर इसके अलावा हमें नजर आ रहे हैं, और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और इसके साथ साथ विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा और तमाम अन्य मेहमान भी, और अमेरिका में भारत के जो राजदूत हैं वो भी, संधू साहब वो भी नजर आ रहे हैं, तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। साथ ही साथ अमेरिका के लिहाज से अगर बात की जाए तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति, वहां के विदेश मंत्री, वहां के रक्षा मंत्री और तमाम महत्वपूर्ण मंत्रिपरिषद के लोग इस वक्त मौजूद हैं, और ये अपने आप में रस्मी तौर पर हम 21 तोपों की सलामी की वो गूंज भी देखेंगे। वो गूंज सिर्फ व्हाइट हाउस के प्रांगण तक नहीं है बल्कि उस 21 तोपों की सलामी की गूंज भारत अमेरिका के कोने कोने तक पहुंचेगी, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगी, और वो गूंज एक तरीके से होगी अमेरिका के द्वारा भारत के साथ दोस्ती को और आगे बढ़ाए जाने की इबारत को लिखने के लिए। और नरेंद्र, मुझे लगता है कि इस वक्त व्हाइट हाउस में जिस तादाद में भारतवंशी उपस्थित हुए हैं शायद पहले या बहुत कम ऐसा नजारा देखने को मिलता होगा, खासतौर पर राजकीय यात्राओं में जब किसी देश के लोगों का इतना बड़ी संख्या में अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए यहाँ उपस्थित होना। तो ऐसे में इस बार जो लोग वहां उपस्थित हैं वो तो इस बात का अनुभव स्वयं कर ही रहे हैं कि किस तरीके से एक बड़े स्तर पर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए इस राजकीय यात्रा के तहत प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए व्हाइट हाउस तैयार है। लेकिन साथ ही साथ डीडी न्यूज के माध्यम से ये तमाम दृश्य हम भी अपने देशवासियों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये सम्मान हमारे प्रधानमंत्री का ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों का है, और इसीलिए जब भी राष्ट्रगान बजता है तो गर्व से हर भारतीय का सीना चौड़ा हो जाता है, खासकर जब अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जब ये दोनों लोकतांत्रिक देश एक साथ इकट्ठे आ रहे हैं, वो भी इस सोच के साथ कि जिन रिश्तों को पिछले सालों में बहुत आगे बढ़ाया गया है, प्रगाढ़ किया गया है, इस दौरे के साथ उसमें एक नई दिशा इन रिश्तों को मिल सकती है, एक नया इतिहास, एक नई इबारत लिखी जा सकती है, इस उम्मीद के साथ ये जब दौरा शुरू हो रहा है तो ऐसे में आकांक्षाएं ना केवल भारतवासियों की, ना केवल अमेरिकी लोगों की, बल्कि विश्व भर के देशों की आकांक्षाएं परवान चढ़ने को आतुर हैं, खासकर इस सोच के साथ कि उन सब का विकास का रास्ता, उनकी समस्याओं का समाधान भारत और अमेरिका जब साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर चलेंगे तो उस समाधान को लेकर भी आगे आ सकते हैं, और इसीलिए ये राजकीय सम्मान हम सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और इसको जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और ये औपचारिकताएं मूर्त रूप से सामने आएंगी तो जाहिर है कि इस राजकीय यात्रा के तमाम पहलुओं से हम आप सबको रूबरू कराएंगे। बिल्कुल ममता, जिस बात का जिक्र आपने किया, एक मिनी इंडिया यहां पे नजर आ रहा है, करीब 7,000 के आसपास बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं भारतीय, और अब संभवतः अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी का यहां पे मौजूदगी होगी, क्योंकि वो रिसीव करने आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बिल्कुल, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन, डॉक्टर जिल बाइडेन, अमेरिका की प्रथम महिला, दोनों ही पहुंच चुके हैं, और बमुश्किल कुछ क्षणों में अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचेंगे, और एक मिनी इंडिया भी वहां पर इस वक्त कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। तो इन संगीत लहरियों के बीच हर कोई आतुर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन के पल का इंतजार करते हुए, और प्रधानमंत्री बस कुछ ही क्षणों में यहां आगमन होगा व्हाइट हाउस में, जिसके बाद औपचारिक स्वागत की औपचारिकताएं शुरू हो जाएंगी। तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन तैयार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। ऐतिहासिक तस्वीरें, और ये वो गाड़ी का आना हुआ, और फ्रेम में हमें सबसे पहले तिरंगा लहराता हुआ गाड़ी पर दिखाई दिया। प्रधानमंत्री मोदी आगमन हो चुका है वॉशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस में, और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए। सबसे पहले अपने मंत्रिमंडल और विशिष्ट मेहमानों के साथ प्रधानमंत्री का परिचय करवा रहे हैं राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से हैंडशेक करते हुए
प्रधानमंत्री और ये सभी विशिष्ट अतिथि जो राष्ट्रपति जो बाइडेन के मंत्रिमंडल के विभिन्न सदस्य। और ममता, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि पीछे से आवाज सुनिए आप, मोदी मोदी भारत माता की जय के नारे सुनाई पड़ रहे हैं, जिस मिनी इंडिया का हम जिक्र कर रहे थे। विदेश मंत्री के साथ में प्रधानमंत्री मोदी का ये हैंडशेक, और इसके अलावा रक्षा मंत्री के साथ में प्रधानमंत्री, अमेरिका के रक्षा मंत्री के साथ में प्रधानमंत्री का यह मुलाकात, और ये तमाम विशिष्ट लोगों के साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति अपने प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करवाते हुए, इसके बाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल से अमेरिका के राष्ट्रपति की मुलाकात। सबसे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, एनएसए विदेश सचिव, उसके अलावा एम्बेसडर जो अमेरिका में है, तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद प्रतिनिधिमंडल में, जिनके साथ में दोनों ही नेताओं की मुलाकात। और ये बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि इस मुलाकात के मायने बहुत कुछ है। संभवतः यहाँ जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे, 21 तोपों की सलामी से लेकर तमाम वो प्रोटोकॉल जो एक राजकीय अतिथि के लिए किया जाता है, और पीछे से भारतवंशियों की वो गूंजती आवाज सुनाई पड़ेगी। डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, the national anthem of the Republic of India, followed by the national anthem of the United States. Thank you.
Distinguished guests, the President of the United States. Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House. I've long believed that the relationship between the United States and India is one of the, will be one of the defining relationships of the 21st century. Two proud nations whose love of freedom secured our independence, bound by the same words in our Constitution, first three words, we the people. The enduring ties and shared values between our people and the shared responsibility as global leaders to tackle the great issues of our time together. स्वागत है प्रधानमंत्री जी आपका पुनः आपका लौटने के लिए. मैंने हमेशा विश्वास किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य यह रिश्ता 21वीं सदी के परिभाषित संबंधों में से एक है. दो गौरवशाली राष्ट्र, हम इन तथ्यों से बंधे हैं और यहाँ हमारी स्वाधीनता के प्रेम से ही हमने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है. हमारे जो तथ्य हैं वो हमारे संविधान के पहले शब्द यही हैं, हम देश के नागरिक, हमारे लोगों के बीच स्थायी संबंध और साझे मूल्य, और वर्तमान के महान मुद्दों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं के रूप में हमारी साझी जिम्मेदारी. I'm honored to be the first to have you here in 15 years. The United States is honoring and hosting an official visit for the Republic of India. Prime Minister Modi, welcome back to the White House. मैं सम्मानित हूँ कि लगभग 15 वर्षों में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका भारत गणराज्य के लिए एक आधिकारिक राजकीय यात्रा की मेजबानी कर रहा है. प्रधानमंत्री मोदी जी, व्हाइट हाउस में आपका स्वागत है. We spent a lot of time. We spent a lot of time together going back to when I was vice president and you had just become prime minister. And since I've become president, we've continued a relationship built on mutual trust, candor, and respect. The challenges and opportunities facing the world in this century require that India and the United States work and lead together, and we are. बहुत समय एक साथ बिताया है. उस समय से जब मैं उपराष्ट्रपति था और आप अभी-अभी प्रधानमंत्री बने थे, और जब से मैं राष्ट्रपति बना हूँ, हमेशा इस रिश्ते को जारी रखा है हमने. और जहाँ हमारा इसमें आपसी विश्वास, स्पष्टवादिता और सम्मान है, इस सदी में जो चुनौतियाँ और अवसर विश्व के सामने हैं, यह आवश्यक है कि भारत और अमेरिका एक साथ काम करें और नेतृत्व करें, और हम कर रहे हैं. With your partnership, we've invigorated and elevated the Quad between the United States, India, Australia, and Japan to advance our vision of a free, open, secure and prosperous Indo-Pacific. Decades from now, people will look back and say, the Quad bent the arc of history toward global good, as the Prime Minister describes it. आपकी साझेदारी के साथ हमने एक मुक्त, खुला, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत की दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मध्य क्वाड को मजबूत और उन्नत किया है. अब से दशकों बाद लोग पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, क्वाड ने इतिहास के वृत्त चाप को वैश्विक हित की ओर मोड़ दिया, जैसा कि प्रधानमंत्री इसका वर्णन करते हैं. Together, India and the United States are working closely on everything from ending poverty and expanding access to healthcare, to addressing climate change, to tackling food and energy insecurity stoked by Russia's unprovoked war in Ukraine. साथ साथ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका
हर विषय पर मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कि गरीबी को समाप्त करना और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का विस्तार, जलवायु संकट को संबोधित करने से लेकर खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा से निपटना जो यूक्रेन पर रूस के अकारण युद्ध से प्रभावित हुआ। We made critical and emerging technologies the pillar of our next generation partnership to ensure that these technologies promote and protect our values, remain open, accessible and trusted and secure. हमने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनी अपनी पीढ़ी के साझेदारी का एक स्तंभ बनाया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन प्रौद्योगिकियों हमारे द्वारा हमारे मूल्यों को बढ़ावा और सुरक्षा मिलेगी और यह खुले, सुलभ, विश्वसनीय और सुरक्षित रहेंगी। All this matters for America, for India, and for the world. We face an inflection point, one of those moments that only come around every several generations, when so much is changing technologically, politically, socially, and environmentally, that the decisions we make today are going to determine our future for decades to come. यह सब बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए, भारत के लिए और सारे विश्व के लिए। हम एक मोड़ का सामना कर रहे हैं, ऐसे क्षण जो हर कई पीढ़ियों में केवल एक बार आते हैं, जहां बहुत कुछ परिवर्तित हो रहा है, तकनीकी रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और पर्यावरण की दृष्टि से, कि आज हम जो निर्णय लेंगे वह आने वाले दशकों के लिए भविष्य का निर्धारण करेंगे। And as democracies, we can better tap into the full talent of all of our people and attract investments as true and trusted partners as leading nations, with our greatest export being the power of our example. Equity under the law, freedom of expression, religious pluralism, and diversity of our people. These core principles have endured and evolved even as they have faced challenges throughout each of our nation's histories, and will fuel our strength, depth, and future. लोकतंत्र के इस रूप में हमने सभी लोगों की पूर्ण प्रतिभा का बेहतर तरीके से लाभ उठाया है और हम उठा सकते हैं, और अग्रणी देशों के रूप में सच्चे और विश्वसनीय भागीदारों के रूप में निवेश को आकर्षित कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा निर्यात हमारे उदाहरण की शक्ति है। कानून के तहत समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक बहुलवाद, हमारे लोगों की विविधता, ये मूल सिद्धांत दृढ़ हैं और विकसित हुए हैं, यहाँ तक कि जब उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा है हमारे प्रत्येक देश के इतिहास में, और दूर भविष्य तक हमारी ताकत को ये ऊर्जा प्रदान करेंगे। And they form a special bond among our nations, forged by the special bond among our people, based on values that are universal. A duty to family and elders, treating all people with respect and dignity, a premium on education and creativity, self-discipline, hard work, entrepreneurship, faith and service to community, courage and resilience, and tolerance and opportunity for all. और वे ये हमारे राष्ट्रों के बीच एक विशेष बंधन बनाते हैं, हमारे लोगों के बीच विशेष बंधन द्वारा निर्मित उन मूल्यों पर आधारित जो सार्वभौमिक हैं। परिवार और बड़ों के प्रति कर्तव्य, सभी लोगों के साथ सम्मान और गरिमा के साथ व्यवहार, शिक्षा और रचनात्मक पर बढ़ोतरी, आत्म अनुशासन, कड़ी मेहनत और उद्यमशीलता, विश्वास और समुदाय के लिए सेवा, साहस और लचीलापन, सहिष्णुता और अवसर। I've seen this dynamism in my visits to India. I see it in Indian American diaspora. It reflects every part of American life and remains a bridge between our nations. And only grow stronger with each generation. We see it with record numbers of Indian Americans serving in the United States Congress. We see it here at the White House, where proud Americans of Indian heritage serve our country every day, including our Vice President of the United States, Kamala Harris. मैं यह गतिशीलता देखी है, मैं इसे भारतीय अमेरिकी प्रवासियों में देखता हूँ, जो अमेरिकी जीवन के हर भाग को दर्शाता है, और हमारे राष्ट्रों के बीच एक पुल बना हुआ है जो प्रत्येक पीढ़ी के साथ निरंतर मजबूत होता है। हम इसे संयुक्त राज्य कांग्रेस में बड़ी संख्या में देखते हैं, और हम इसे यहाँ व्हाइट हाउस में देखते हैं, जहाँ भारतीय विरासत के साथ गर्वित अमेरिकी हर दिन हमारे देश की सेवा कर रहे हैं, और
जिनमें उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी शामिल हैं। The granddaughter, the proud granddaughter of Indian civil servant, daughter of an Indian student, turned American scientist, who came to the United States when she's only 19 years old to pursue her dream of curing cancer. A family like so many of ours in our nation that speaks of the thousand stories of determination, courage, and hope. एक भारतीय समाज सेविक की पोती, एक भारतीय छात्र जो अमेरिकी वैज्ञानिक बनी, जो 19 साल की उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका आई थी कैंसर के इलाज के अपने सपने को साकार करने के लिए, उनकी बेटी। हमारे देशों में बहुत सारे परिवारों में से एक जो हजारों दृढ़ संकल्प, साहस और आशा की कहानियां कहते हैं। Stories that define the relationship and the limitless possibilities between the United States and India, two great nations, two great friends, two great powers that can define the course of the 21st century. Mr. Prime Minister, thank you for your partnership, and I'll turn it over to you. परिभाषित करने वाली कहानियां और संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य असीम संभावनाएं, दो महान राष्ट्र, दो अच्छे मित्र, दो महान शक्तियां, यह 21वीं सदी के पाठ्यक्रम को परिभाषित करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी साझेदारी के लिए धन्यवाद। अब मैं आपको सौंपता हूं। Distinguished guests, the Prime Minister of the Republic of India. राष्ट्रपति बाइडेन, फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, उमंग और उत्साह से भरे हुए इंडियन अमेरिकन मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नमस्कार। सबसे पहले तो मैं राष्ट्रपति बाइडेन के मित्रतापूर्ण स्वागत और दीर्घ दृष्टिपूर्ण संबोधन के लिए उनका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू प्रेसिडेंट बाइडेन फॉर योर फ्रेंडशिप। प्रेसिडेंट बाइडेन, फर्स्ट लेडी डॉक्टर जिल बाइडेन, Distinguished guests, friends from the Indian American community filled with energy and excitement, a very good morning to all of you. First of all, I would like to express my gratitude to President Biden for his warm welcome and his far-sighted speech. Thank you, President Biden, for your friendship. Friends, aaj White House mein shandar swagat samarabh ke एक प्रकार से ये भारत के 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, 140 करोड़ देशवासियों का गौरव है। ये सम्मान